नमस्कार भाइयों, स्वागत है मेरा एक नई और वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा मैं हाथ और लेग की एक्सरसाइज जो मैं शुरू शुरू में करी थी, हाथों और पाँव की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है इसकी रिकवरी के लिए ना, पैरालिसिस की रिकवरी। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने माइंड को सही रखोगे, उतना ही जल्दी रिकवरी बढ़ेगी। और जितना टेंशन लोगे, जितना डिप्रेशन में रहोगे, उतनी रिकवरी भी स्लो होगी और उतना दिन भी जल्दी नहीं कटेंगे। तो इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ रिकवरी बढ़ती है। मेरी रिकवरी भी 2.5-3 साल बाद ही आई पूरी तरीके से। अगर मैं शुरू में ही बेसब्रापन दिखाता या इधर उधर भागता, फिजियोथेरेपी मैंने कराई नहीं। फिजियोथेरेपी भी जाने वाला था मैं, लेकिन मैं सोचा था चलो अगले महीने जाऊँगा, अगले महीने जाऊँगा। ऐसे करते करते मेरे जब 2-2.5 साल हो गए, मैंने कहा अब क्या जाऊँ फिजियोथेरेपी। और उसके बाद रिकवरी देखो अपना आप ही, एक्सरसाइज से ही आ गई मेरी रिकवरी। तो आपको बताता हूँ मैं हैंड और लेग की एक्सरसाइज इसमें ना, कम भी लेटना कवर लेके लेटना। हैंड को आपको ऐसे से पहले ना आगे पीछे करना है, ऐसे ऐसे आगे पीछे। अब खुद से नहीं कर पा रहे हैं जो पेशेंट, उनको कोई करवाएगा, कोई फैमिली मेंबर हो वो उनके हाथ को पकड़ के ऐसे ऐसे आगे पीछे करेंगे, आगे आगे पीछे ऐसे पकड़ के आगे पीछे करेंगे। और जो पेशेंट है वो भी अपने अंदर से थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे आगे पीछे करने की। ऐसे करके क्या होगा, हमारे माइंड को पता लगेगा कि हाँ ये हाथ को हिलाना है, और धीरे धीरे वहाँ की मसल्स जो हैं रेडी होंगी और पावर बढ़ेगी, है ना। ऐसे करने से आगे पीछे करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद उंगली को ऐसा आगे पीछे करेंगे, एक एक उंगली को सबको आगे पीछे करवाना है। पांचों उंगली को ऐसा करके आगे पीछे करवाना है, कम से कम 20-20 बार करवाना, और 3-3 सेट मारने हैं इसके ना। ऐसा करने करते 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 जब थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ जाए तो ऐसे मुट्ठी बंद करने की कोशिश करनी है ऐसे धीरे धीरे ना। शुरू में थोड़ा बहुत होगा ऐसे ऐसे, तो कम से कम 30 बार करना है, 20-30 बार ऐसा करके। इसके भी कम से कम 3 सेट करने हैं हैंड के, ठीक है। और फिर इसके बाद जब पेशेंट की थोड़ा बहुत और रिकवरी बढ़ जाए जब, तो जो घर वाले करवाते हैं या फिर, तो उसको हाथ को ऐसे रखवा के ऐसे ऊपर उठाएंगे इसको ना, ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे लाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज मैं करता था जो मेरी शुरू में हुई थी ना, ये वाले, ये मुझे डॉक्टर ने भी बताई थी वाली एक्सरसाइज अपर बॉडी की, ये वाली करनी है। उसके बाद फिर ऐसे करके आगे पीछे करना हाथों को ना, इस तरीके से। खुद तो कर नहीं पाएगा, जो पेशेंट होगा जिनको पैरालिसिस होगा, स्ट्रोक होगा, या जिनके सी लेवल का जिनकी इंजरी होती है, वो उनको घर वाले फैमिली में से कोई करवाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके जब इसके बाद फिर लेग की एक्सरसाइज करनी है। लेग में क्या करना, शुरू शुरू में पहले एक्सरसाइज लेग की शुरुआत यहीं से होगी, ऐसे पंजों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करनी है। पंजों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ऐसे खुद से नहीं कर पाए तो कोई फैमिली मेंबर पकड़ के उनके पंजों को आगे पीछे करेगा, कोई फैमिली का हो तो पंजों को आगे पीछे करना है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये कम से कम 20-20 बार करनी है, 3 सेट इसके भी ऐसे करके। उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज वाली करवानी है, ऐसे करके धीरे धीरे लाना ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाना है ऐसे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, 20 बार इस टांग से, 20 बार इस टांग से, धीरे धीरे ऊपर लाना है, धीरे धीरे ऐसे दबाते हुए नीचे ले जाना है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लाना है। झटके से नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, धीरे धीरे करना। जितने धीरे धीरे करोगे उतने ही मसल्स सही होते हैं, अपने मसल्स जो है ना, जो कमज़ोर मसल्स होती हैं उतने उसमें पावर आती है धीरे धीरे करने से ऐसे। फिर इस पर ढंग से करेंगे 20 बार,
धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी एक्सरसाइज है लेग की, ऐसे पाँव उठाना है इतना, आधे तक उठा के लाना है शुरू में, और खुद से नहीं उठा पाएंगे तो कोई फैमिली मेम्बर कोई करवाएगा, ऐसे यहाँ तक लाना है फिर नीचे ले जाना है, फिर यहाँ तक लाना फिर नीचे ले जाना है, ऐसे करके ना इसके 20-20 सेट करना है, ऐसे एक एक, ये एक बार हो गया, फिर ये दो बार, ये दो बार, ऐसा करके 20-20 बार मार रहे हैं, 3 सेट करने हैं इसके। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज करनी है, इनका रिजल्ट ये नहीं सोचना कि 2-4 दिन 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने में टाइम लगता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या फिर पेरालिसिस में, रिजल्ट थोड़ा टाइम लगाता है आने में, टाइम के साथ साथ रिकवरी आती है, और खुश रहना है लाइफ में ना, जितना अपने आप को खुश रखोगे जितना अपने आप को एक्सरसाइज में बिजी रखना है, और जो भी रिकवरी बढ़ रही है उसका एंजॉय लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, टेंशन मत लेना और डिप्रेशन में मत रहना, डिप्रेशन में रहोगे टेंशन में रहोगे उतने ही रिकवरी भी स्लो होगी और दिन भी नहीं कटेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।